हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है बेबी का, तो फर्स्टली बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और देश की जनता की। हैव यू एवर थॉट कि आप यहाँ तक आओगे? बिकॉज आप हमेशा कहते थे कि मेरा पीआर बोलता था कि फर्स्ट वीक में निकल जाएगा और वो इधर ही है। तो एक्चुअली मुझे क्योंकि मेरी पर्सनालिटी जानते हैं वो लोग, मैं बहुत काम और स्वीट और फ्रेंडली हूँ। मैं जल्दी कनेक्ट कर जाती हूँ और मैं बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती हूँ। लोग मुझसे इजीली कनेक्ट कर जाते हैं, मुझे पसंद कर लेते हैं और मेरा एक बॉन्ड बन जाता है। तो उसको लगा था बिग बॉस जैसे हार्श और चैलेंजिंग माहौल में तेरा क्या होगा, हिम्मत कर, आगे रहे। और हाँ, मोटिवेट भी किया था, बट मजाक बहुत उड़ाया था पहले हफ्ते में बाहर रहे तो इस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा था। बट आई मेड हिम प्राउड, आई मेड माई टीम प्राउड, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप पर टोटली अपोजिट आई, कई सारे टैग्स मिले हैं आपको, अभिषेक, एल्विश, मनीषा, सबसे क्या कहना चाहेंगे? सबको लगता है कि आप ऐसी कंटेस्टेंट हैं जो सबसे झगड़ा करती है। मुझे नहीं लगता मैं ऐसी कंटेस्टेंट हूँ जो सबसे झगड़ा करती हूँ, मुझे लगता है मैं सबसे रियल कंटेस्टेंट हूँ। उन्होंने थोड़ी अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दबाने के लिए एक फ़िल्टर रखा था, मैं पूरी अनफिल्टर्ड आई थी। और झगड़ा की बात हुई तो यार, जब इंसान नेचुरल और रियल रहता है ना, तो ऑफकोर्स वो इन चीज़ों से गुजरता है। लेकिन अगर तुम कहते हो मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, मैं एकदम स्ट्रेट रहा या स्ट्रेट रही, तो तुम कहाँ से रियल निकले यार तब। तो मैं उनकी कई बातों को ज़्यादा तवज्जो सिस्टम आ गया ये देखो, तो मैं उनकी इन बातों को ज़्यादा गौर नहीं करना चाहूँगी। और मुझे लगता है मैंने अपनी जर्नी बहुत शान से जीती है, तो बस काफ़ी है। बेबी का मेरे को आपसे एक शिकायत है, जब बट वाला हुआ था आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, लेकिन आपने आखिर में सभी को बोला कि आप लोग मेरी बात सुनते नहीं हो। वहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको समय जेट पे ज़्यादा फोकस करके उसको बोलना चाहिए था जिस तरह से उसने आपको शो किया था? बट आपका फाइट ये था कि यार कोई मेरा बात सुनता ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि जेट की कुछ हरकतों में मैंने ऑलरेडी ये बिहेवियर देखा था और मैं इस बिहेवियर को बड़ा सॉफ्टली लोगों के सामने ला रही थी, लेकिन किसी ने तभी मेरी बात पे बिलीव नहीं किया और सुना नहीं, और फिर वो बिहेवियर एक आउटबर्स की तरह बाहर आया। अगर कोई मेरी बात पहले सुन लेता तो वो आउटबर्स नहीं आता, प्यार से जाके शायद कोई मेरे लिए बोल देता या शायद मैं बात कर पाती। तो वो एक शुरुआत थी मेरी उस डायरेक्शन को रोक देने की। तब असल में कोई मेरी सुन लेता ना यार, मैंने जो नोटिस किया वो मुझे पता है। मेरी फेस रीडिंग को भी काफ़ी क्वेश्चन किया जाता है, बट जो मुझे पता है वो मुझे पता है, मैं कैसे खुद को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करूँ। अगर मनीषा रानी को आपने कहा था कि वो मैंस के बिना खेल नहीं सकती है, अभी भी आपको वही लग रहा है? एग्री विद द सेम। वेल, उसने अपनी प्रोफाइल की USP वही बना ली है, दैट शी हैज़ टू फ्लर्ट विद अ गाय। और ये मैंने ही नहीं, घर में मौजूद जब हम बैठे रहते थे, अभिषेक ने भी बोला तेरे को खाली एक मर्द चाहिए जिसके साथ तू फ्लर्ट करे। तो ये नज़रिया सिर्फ मेरा ही नहीं, उसके दोस्तों का भी रहा है। तो हाँ, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शी नीड्स मेल फ्रेंडशिप मोर देन फीमेल्स, ताकि वो अपनी उस प्रोफाइल को और आगे बढ़ाए। और ऑफकोर्स एक यूनिक प्रोफाइल है, हर लड़की में हिम्मत नहीं होती है बंदों से बेझिझक जाके फ्लर्ट करके मस्ती करने की। यार मुझ में नहीं है हिम्मत, मैं मेरे कितने क्रशेज रहे हैं, मैं अपना जी एल्विश क्या क्रश थे? किसके आपके? नहीं यार, मेरे मन में उसके लिए बहुत इज्जत थी, बहुत प्यार था, और मुझे वो काफ़ी डायनामिक और फनी और अच्छी पर्सनैलिटी लगा। तो क्रश नहीं कह सकती हूँ, बट काफ़ी रिस्पेक्ट रही बंदे के लिए। ओके, एक हैबिट एल्विश की जो आपको काफ़ी ही पसंद है, और एक क्वालिटी जो आपको थोड़ा भी नहीं पसंद एल्विश में, यही कि वो उसका सरकाज़म और ब्रूटल ऑनेस्टी और नेक दिली, और जो नहीं पसंद है वो थोड़ा जजमेंटल है। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो इतना प्यार दे रही है? ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि मुझ जैसी अंडरडॉग को आपने इतना प्यार दिया, लाइफ में इतना आगे बढ़ाया है, तो आप अपने आप में भी बिलीव कीजिए। अगर मैं इतना आगे आ सकती हूँ, तो हिंदुस्तान का हर वो इंसान जो खुद में बिलीव करता है आगे आ सकता है। थैंक यू सो मच बेबी का, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।